तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। फाइनली अपने पुराने जो पैशन है ना, उस पर हम निकल ही गए, मतलब घूमने के लिए निकल ही गए। दो तीन दिन मैं घर पे रुका, मन ही नहीं लगा। फिर मैंने सोचा चलो, अभी थार की डिलीवरी होने में 4 दिन बाकी है, तो मैंने सोचा 2 दिन घूम के आते हैं। एंड फाइनली हम घूमने के लिए निकल गए। एंड रात को हम यहाँ पे सोए हुए थे। हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग। एंड वाइफ देखो भाई, सुबह की कितनी क्लियर वाइफ आ रही है। एंड वहाँ पे अपना सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। एंड इसका नाम है, लेक का नाम है रंजीत सागर डैम, है ना? ओके, तो सुबह सुबह भाई जी बना रहे हैं यहाँ पे। क्या बन रहा है भाई? भाई वेज बिरयानी बनेगी। वेज बिरयानी के लिए बाकी देखेंगे, ताम जाम आगे करेंगे। एंड कल भाई जी ने बोला था ना, वहाँ पे स्नो नहीं है, पर पिछली रात से वहाँ पे मौसम खराब हुआ, स्नो हो चुकी है। और ये घर के प्योर बासमती चावल है, जो जम्मू के बासमती चावल Okay. आप इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाले, ये मैं घर से ही लेके आया हूँ। बट अभी आप बगल वालों से कुछ मांगने भी गए थे। अरे मैं हल्दी लेने गया था यार, हल्दी नहीं है हमारे पास। मतलब सब कुछ लेके आए थे, हल्दी रहेगी। क्यों रात को लेट हो गए ना हम? एंड बॉटल कहाँ? मैं पानी लेके आता हूँ, उसी पानी से खाना बनाना है। अरे चलेगा, वो साफ पानी एकदम। Okay. पानी बट काफी लोग धो रहे थे सुबह सुबह। कोई दिक्कत नहीं, जो धो रहे हैं वो धोने दे, उधर से ही ला रहे, मैंने देखा अभी। अच्छा, ये उधर से बनाते हैं अभी? एंड ठीक है, थोड़ा ना मैं आपको डैम के पास जाके दिखाता हूँ। और भाई सुबह सुबह देखो, यहाँ पे ओस पड़ी हुई है। एंड मैंने सुना है नंगे पांव चलना आंखों के लिए सही रहता है सुबह सुबह। भाई के पास तो चप्पलें नहीं है, नंगे पैर चला। अरे नहीं, सच में बहुत ज्यादा ठंडा भैया, बढ़िया है, बुखार हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। सबसे बड़ी चीज है आंखें बड़ी फास्ट हो रही है। हाँ, अरे अभी तो पैर जम गए ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, सच्ची बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। एंड अब भी ना थोड़ा मौसम, थोड़ा सूर्य देवता ज्यादा निकल गया, नहीं तो सुबह सारा ही रेड हो रखा था, पंछी उड़ रहे थे। वो वाली वाइब ना मस्त रहती है सुबह सुबह। एंड ठीक है, मैंने सोचा ये पानी बहुत ठंडा होगा, बड़ी गर्म है भैया ये, पर इसमें नहाना प्रतिबंध है ना भाई। यहाँ पे फाइन है 5,000 रुपया ओनली, 10,000 दे लेंगे, नहा लेंगे। वो उसके लिए जिसको स्विमिंग करने नहीं आती, क्यों कई लोग यहाँ पे मर गए ना यार, बीच में चले जाते, बहुत गहरा पानी है। तो नहाने के बाद यहाँ पे चल रहा है अपना खाना। भाई साहब जो चावल है ना हमारे यहाँ के, बड़े टेस्टी है। बड़े एक चीज की कमी है, बता, दही नहीं है इसके साथ। दही होता ना माँ कसम चार चांद लग जाते हैं। बट नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे हम, आज ही दही ले लेंगे ना शाम को, एंड कल सुबह भी यही बनाएंगे, सही है ना? और अभी ना काफी चीजों की कमी है। अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरी थार में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। जैसे अभी चेयर नहीं है हमारे पास, और भी काफी कुछ है, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, खा लेता हूँ यार, भूख लगी बड़ी तेज। तो अभी हम निकल चुके हैं स्नो की ओर। पता नहीं स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट जाने में क्या यार, यहाँ से अभी भी कम से कम कितना भाई? भाई यहाँ से 100 किलोमीटर होगा, और ऐसा ही रास्ता है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि मोड़ बहुत है। अरे मोड़ बहुत है, इसलिए हमने ना सीट बेल्ट पहन लिया दोनों भाइयों ने। बहुत जल्दी मोड आ जाता है यार यहाँ पे। अरे यहाँ से हमारे ना स्नो माउंटेन दिखना भी शुरू हो चुके हैं। अरे क्या आ गया आगे भाई, थोड़ा शीशा डाउन करना पड़ेगा। एक तो मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई ना, आगे नहीं जा पा रहा हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर होने दो। इतनी ज्यादा स्नो तो नहीं है, बट फिर भी हमें स्नो ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। बहुत सामने दिख रही है ना, स्नो ही है। अरे पहाड़ी के पीछे है, वो सारा सफर हमें आज ही तय करना है, फिर जाके हम बहुत स्नो तक पहुंच पाएंगे। दिख रही है ना, बहुत ज्यादा दूर है, शाम तक पहुंच जाएगी। आजकल ना गद्दी लोग भी नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है, फिर इनकी भेड़ बकरियां क्या खाएगी, इसलिए ये भी नीचे जा रहे हैं। इनके पास ना एक कुत्ता होगा भाई, बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं वो। मैं ना इस बार पता क्या सोच रहा हूँ, जब मेरी थार आ जाएगी, थोड़ा बहुत मैं चलाना सीख जाऊंगा ना, पूरे 3-4 महीने अप्रैल या मार्च तक पूरा अपना नॉर्थ जितना भी है ना, चप्पा चप्पा घूमूंगा, जितने भी स्नो है ना सारी मैं कवर कर लूंगा। पहले तो मैं अपना जम्मू कश्मीर पूरा खत्म करूंगा, फिर निकलूंगा जंस्कार, और फिर ले लद्दाख करूंगा स्नो वाला। पहले मैंने किया है, पहले मेरे को स्नो देखने को मिली नहीं है, 2 बार गया, बड़ी कम देखने को मिलती है। बट इस बार जब रास्ता खुलता है ना, ले टू सीधा मनाली की ओर भाई, जम्मू कश्मीर, और वो वाला रास्ता उस टाइम देखा मैंने, कम से कम 10-10 फीट साइड पर स्नो होती है, वो वाला हमने कवर करना है। बट अभी उसके लिए टाइम है यार बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी हमें टाइम हो चुका है चाय पीने का, भाई चाय पी ले। अभी पता क्या रूटीन बनी हुई ना, काफी टाइम से हम आपको पता है घूमने जा रहे हैं, एंड चाय पीते हैं दोपहर को, तभी आगे नींद खुलती है, नहीं तो नींद लगी रहती है। अभी तो जस्ट हमारा सफर शुरू हुआ है ना, भाई बहुत ज्यादा लंबा सफर है आज हमारा, और यहाँ से हम घूम के पूरा ऊपर वाला एरिया जम्मू जाके निकलेंगे, पूरा 100 किलोमीटर ऊपर वाला एरिया कवर करके जाएंगे हम, वो तो आपको दिख ही जाएगा। और आजकल ना आपको भी लग रहा होगा, अंकुश तेरे घर जाने के बाद ना व्यूज डाउन हो चुके हैं। भाई मुझे भी थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है, बट
पता क्या रीजन क्या है, क्योंकि काफी टाइम से मैं घूमे जा रहा हूँ और अपने साथ जो YouTube फैमिली जुड़ी है ना, वो ट्रैवल ब्लॉग वाली है, ट्रैवलिंग देखती है ज्यादा। और मैं जब घर पे आ जाता हूँ ऑटोमेटिक होता है भाई मेरे व्यूज ना डाउन हो जाते हैं, वही हमारे साथ हो रहा है। शायद अभी डाउन होते होते 20,000 पे आ जाए, कहाँ पहले 40,000 पे थे, अभी 20,000 पे आ जाए। बट कोई टेंशन नहीं है यार, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा बहुत थक चुका हूँ ना घूम घूम के। ऐसा नहीं है घूमना छोड़ चुका हूँ, बट अभी ऐसा घूमूंगा, घर आया जैसे 5 दिन घर पे रहा, फिर घूमने निकल गया 10 दिन। लो भाई चाय अपनी रेडी हो चुकी है, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं, बट चाय पी लेनी चाहिए। एंड भाई लोगों ने हमें गुड न्यूज भी दे दिया कि स्नोफॉल ऊपर हो चुका है ना भैया, ताजा ताजा ही हुआ है ना जी। और आज ही हुआ है, पिछली रात को है ना, पहले नहीं हुआ है इतना ज्यादा, क्योंकि कल भाई ने कॉल करी थी किसी को, रिलेटिव को, उन्होंने बोला स्नोफॉल नहीं हुआ है, बट पहाड़ के ऊपर जाके देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों हम चलने लगे, इतनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं और इतनी ज्यादा कर्व है ना यहाँ पे, और मुझे हो रही है बारी बरकों वाली सफोकेशन, क्या बोल दिया है, सर चकरा रहा है बहुत ज्यादा। अगर मैं पीछे बैठा होता ना, अभी तक 2 दिन उल्टी आ जाती, वैसे मेरे को आती नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आती। दिख रहा है ना बहुत तीखे तीखे वाले मोड़ है यहाँ पे, आपको नहीं होती भाई? नहीं तो ड्राइवर बंदे को ऐसे कम होती है? नहीं मैं ड्राइविंग नहीं भी करूँ ना, मैं यहाँ भी बैठा रहूँ नहीं होगी मेरे को, मैंने बहुत पहाड़ों में टाइम निकाला हुआ है यार। भाई पहाड़ भी देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, सूखे वाले पहाड़ है यहाँ पे। इस जगह को देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है भगवान जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है, दिख रहा है कितनी मस्त वाली जगह यार ये वाली। एंड नल दिख रहे हो, इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, पिएगा हाथ ही ठंडे हो गए, बिल्कुल सुन हो गए, क्योंकि ये पहाड़ी के इस साइड जगह है ना, यहाँ पे लाइट तो आती नहीं है सूर्य देवता की, इसलिए ठंडा वाला एरिया है। एंड ये वाली जगह सच में यार बड़ी मस्त लगी मेरे को, नेचुरल। अभी थोड़ी बहुत मोशन सिकनेस थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि उतर के पानी पिया है, भोले बाबा जी के दर्शन भी करे हैं, और अभी के बाद जो एरिया शुरू हो रहे हैं ना यार, बहुत ज्यादा ठंडा वाला एरिया है। अभी हमने जैकेट्स लगा लिए हैं। मैंने तो कैप भी पहन लिया, अरे विंडो खुली रहेगी मेरे से, और अपना एक फ्यूज उड़ चुका है, अभी ये रेडियो भी बंद हो चुका है, एंड अपने जो चार्जर है वो भी बंद हो चुके हैं यार। बट एरिया अभी ठंडा वाला आने वाला है, एंड अभी हम एक पास क्रॉस करने वाले, आज करेंगे या कल करेंगे, मुझे कल करेंगे, कल है ना। और भाई अभी मैं आपको स्नो दिखाता हूँ, पूरे के पूरे पहाड़ ही कवर हो चुके हैं वाइट चादर के साथ, वो दिख रही है ना वो वाला जितना भी पास है ना, वाइट कवर चादर से कवर हुआ है, वो हमने क्रॉस करना है, पर कल करना है, शायद वो बहुत दूर है, अभी नजदीक दिख रहा है ना। तो अभी हम काफी लंबा सफर करके पहुंच चुके हैं बनी में, सबसे पहले मेरे को ना ATM ढूंढना है यार, अभी ना मैं जोनो SBI भी यूज कर सकता हूँ, पहले ATM ढूंढ लेते हैं, बट उससे पहले हमें 2 चीजें खरीदनी है, शाम कुकिंग करने के लिए खाना, और अपनी अपनी गाड़ी में ना वो फ्यूज सारे डेड हो चुके हैं, एंड फ्यूज तो डेड हो चुके हैं, अभी नई नई प्रॉब्लम निकली आ रही है। अभी क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ, हल्की सी ब्रेक में पेडल जैसे ले रहे हैं ना, तो ब्रेक छोड़ रही थी गाड़ी, तो भैया बट आपने बोला अगला वाला टायर खराब है, पीछे वाला निकल गया। नहीं खराब नहीं है कुछ भी, हल्की सी ब्रेक उठानी है ऊपर उन्होंने। ओके तो ठीक है, सही जगह पे हमें जगह मिल गई, मतलब मैकेनिकल भैया मिल गए, एंड अपनी गाड़ी के ना भाई ये सारे बंद हो चुके हैं, म्यूजिक सिस्टम तो पहले से बंद है, अभी चार्जर सिस्टम भी बंद हो चुका है, यहाँ पे शायद इसके ना फ्यूज है काफी ज्यादा, और सारे हमने निकाल के भी देख लिए, वो काम बन नहीं रहा। ठीक है भैया मैं ATM ढूंढता कोई। ठीक है आप ATM से हो क्या, मैं करवाता हूँ तब तक, है ना। सब्जी ले ली? अभी सब्जी लेंगे ना, पहले ये काम तो हो जाए। ठीक है पहले ATM ढूंढते कोई तगड़ा वाला, यहाँ से अपना जोनो SBI यूज हो जाए। एंड आपको याद होगा जब से मेरा सिम कार्ड बंद हुआ था ना, आज पहली बार मैं कैश निकाल रहा हूँ, नहीं तो किसी को गूगल पे या किसी के नंबर पे पैसे ऑर्डर करता हूँ, एंड पैसे की भाई कमी हो चुकी है, क्योंकि अभी हमें आगे ना कैश ही नहीं मिलेगा। निकाल लिया मैंने पूरी ट्रिप के लिए 5,000, और इसके टायर पता कैसे लगते हैं, ऐसे ट्रैक्टर वाले अगले टायर नहीं है वैसे लगता है ना भैया, ट्रैक्टर ही है वैसे। और आज शाम को ना एक डिफिकल्टी और होने वाली है, जिस एरिया में हम जा रहे हैं ना वहाँ पे टोटली हर जगह स्नो ही स्नो होगी, और नीचे टेंट लगाने के लिए अगर टेंट लगाएंगे ना भाई गीले हो जाएंगे, उसके लिए भी हमें कोई मोम शोम लेना पड़ेगा, मोम और शोम, ये मैं क्या क्या भाषा बोल रहा हूँ आजकल, नीचे डालने के लिए ना एक त्रिपाल या मोम लेना पड़ेगा, जिससे मतलब स्नो वाला पानी अंदर ना आए। देखते हैं वो आपको शाम को दिख ही जाएगा, स्नो भाई बड़ी खतरनाक वाली हो रखी है यहाँ पे। ठीक है कैश भी निकल चुका है, सब्जी लेनी है, अपनी गाड़ी का काम भी हो चुका है, बस अभी निकलना है नहीं तो अंधेरा यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे तो भाई इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, बट फिर भी लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं, और यहाँ की जो भाषा होती है ना माँ कसम इतनी प्यार से बोलते हैं ना, एक तो डोगरी पहले से इतनी प्यार से बोलते हैं, और दूसरी थोड़ी पहाड़ी टोन ऐड हो जाती है, ऐसे बोलते हैं कहाँ जा रहा है यार तू, ऐसे बोलते हैं कुत्ते जाना यार, ऐसे ऐसे बोलते हैं, मुझे अभी थोड़ा पहाड़ी टोन नहीं आ रही बोलने, बट बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं।
और आज हम कुकी करने वाले हैं खुम खुम बोले तो मशरूम मटर आलू। क्या हुआ भैया, काली है तो छतरी बन चुकी है ना यार। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना भाई, रास्ता अभी और टफ हो जा रहा है। और ये वाले दिख रहे हैं ना, इन्होंने भूसे बनाए हुए हैं मक्की के, एंड कितने मस्त लग रहे हैं ना जी। शायद सेब के पेड़ है। और अभी हमारा सफर काफी दूर है, बीच में सड़क कई बार टूटी हुई आ जाती है, कई बार सही वाली आ जाती है। पीछे यहाँ टूटी वाली थी ना, वहां पे गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा टफ है। बट हमारे पीछे पीछे एक बस भी आ रही है, ये टेंशन हो रही है कि बस कैसे चलती है भाई इस रूट पे। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे स्नो भी तगड़ी वाली होती होगी ना, वो दिख रहा है ना यहाँ पे मक्की वाले उन्होंने कितने तगड़े बनाए हुए हैं भूसे। आगे वाला जो एरिया आने वाला ना थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है और ऊपर से भाई रोड भी थोड़ा खराब है। यहाँ पे पुलिस वाले भैया हमारी एंट्री कर रहे हैं अभी, सिंपली है यार। लो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है, रोड से वापस आ गए तो बढ़िया है, नहीं तो। एंड यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर आप कश्मीर जाते हो ना कोई नेशनल हाईवे ना लेते हुए, मतलब डोडा वाली साइड या किश्तवाड़ वाली साइड, मेरी सीरीज देखी होगी आपने कितनी बार वहाँ पे मतलब साइन करने पड़ते हैं चेक, क्या वो एंट्री करवानी पड़ती है। ठीक है, एंट्री हो चुकी है अपनी। थैंक यू भैया जी, भैया को तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, शीशे ऑन करे हैं। चले भाई, थैंक यू भैया। और भैया एंट्री क्यों होती है? अरे पता क्या है यार, यहाँ से आगे नेटवर्क नहीं है और अवलांच एरिया है ना आगे। अच्छा, इसलिए कोई हादसा ना हो जाए इसलिए रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। अच्छा, मैंने सोचा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। एंड ठीक है भाई, अवलांच भी लैंडस्लाइड से कम थोड़ी ना है। एंड ये सारा एरिया ना कुछ टाइम के बाद बर्फ से ढक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रोड भी अभी बन रहा है नया नया, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अट्रैक्शन रहेगी टूरिज्म की यहाँ पे। वो दिख रहा है ना, वो लोकल लोग कैसे आते हैं, बच्चों को कंधे पे डाला रहता है, सेम नॉर्थ ईस्ट वाला सीन ही है। तो भाई जैसे मैंने बोला था ना, अभी अपना टफ वाला रोड, एडवेंचर वाला रोड शुरू हो चुका है। एंड जी उसका पहला कर्व आ रहा है, शुक्र है भाई अपनी गाड़ी लेके आया, मैं लेके आया होता अपनी नई थार तो शायद रह जाती। एंड पिछले टायर दिख रहे हैं कैसे घूम रहे हैं, थार भाई 4x4 है, ये तो निकल ही जाएगी। एंड पीछे पीछे ना एक बस भी आ रही है, मुझे उसकी टेंशन है वो कैसे निकलेगी यहाँ से। और आगे वाला एरिया ना सारा ऐसा ही है, कचरा वाला रोड दिख रहा है, इसी पहाड़ के ऊपर जाना है। कहाँ से शॉर्टकट? अच्छा ये वाला रोड है, ठीक है भाई। एंड मैं इधर से निकल जाता हूँ और आगे शुरू हो जाएगा, इस पहाड़ी के पार ही शुरू हो जाएगी स्नो शायद, पक्का पता नहीं है, दूर से दिख रही थी। ठीक है, मैं शॉर्टकट लेके चलता हूँ भाई के पास। और मुझे ना क्षमा करना, बार बार मेरे मुँह से ऑटोमेटिक मेरी थार निकलता रहता है, क्षमा करना यार इसके लिए मुझे। ठीक है, नया नया है ना। एंड मैंने बोला है ना मेरे मोहल्ले में फर्स्ट गाड़ी आ रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उत्सुकता ज़्यादा ही है, अन्यथा मैं ऐसा बड़ नहीं बोलता अन्यथा। वो सांस फूल गई यार, ओ भगवान, बहुत ठंड है यहाँ पे। ठीक है, ओह भाई तो पहले पहुँच चुके हैं, एंड शायद यहाँ पे ना नई नई कटिंग हुई है। लो भाई थोड़ा ही ऊपर आए हैं, पहाड़ बर्फ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं, मतलब ये वाला पहाड़ हम क्रॉस करते हैं स्नो में इंटर हो जाएंगे। दिख रहा है ना हर जगह स्नो ही स्नो है, पर थोड़ा रोड ना बड़ा टफ है यार ये वाला। एंड ये वाला रोड शायद ही किसी यूट्यूबर ने एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि भाई अपने जम्मू को कठुआ को कोई एक्सप्लोर करता ही नहीं है। फाइनली अंकुश भाई निकल चुके हैं आपको अपना कठुआ दिखाने के लिए। मैं अरे यार इतने सारे बच्चे इन सब भीगे, मैं मेरे साथ कौन घूमेगा, मैं बोल ही नहीं रहे कुछ। अरे इतने सारे बेबी यार एक साथ, जाओ बाबा। दिख रही है यहाँ पे ताजा ताजा भाई लैंड स्लाइडिंग हुई है, और वो वाला पत्थर अगर मतलब गाड़ी को टच किया सूखे भी निकल जाए ना गाड़ी नीचे। एंड अभी जस्ट गिरा हुआ ही है भाई ये, अरे जल्दी निकालो भाई यहाँ से, खतरा ही नजर आ रहा है। ओ भाई भाई भाई, हाँ जी उस्ताद जी,
टाइम शो सर वो 18 की चाबी तो नहीं है पार आपके पास? 18 नंबर? हाँ 18 नंबर नहीं, 12 13 14 तक रहा है। 18 ने बड़े बड़े टॉप है ना, वहाँ पे हर जगह स्नोफॉल हो चुका है। और ये वाला रास्ता भी अभी 6 महीने के लिए बंद होने वाला है, अप्रैल में खुलेगा शायद। अभी कुछ दिन के बाद जब भी स्नोफॉल हुआ ये बंद होने वाला है ना भाई? बिल्कुल बंद। एंड है भी बड़ा खतरनाक है भाई। हम ना अपनी मंजिल पे तो पहुंच चुके हैं, बट यहाँ आके कुछ और ही दिख रहा है। जितना भी यहाँ पे लोकल है ना, ये जितना आपको दिखना है ना, यही सर्थल है, यहाँ से शुरू हो रहा है। एंड वो जो 10-12 घर दिख रहे हैं ना, यही है आज की मेन डेस्टिनेशन। बट यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सारे जा चुके हैं लवांग नीचे, क्योंकि ये कुछ दिन के बाद भाई स्नो से कवर होने वाला है एरिया। कुछ दिन क्या, आज ही अगर बारिश हो जाए ना, आज ही स्नो कवर हो जाएगा और जो भी टफ वाला रास्ता है सारा बंद हो जाएगा। दिख रही है ना स्नो रात की भाई यहाँ पे काफी ज्यादा हुई है। एंड दिन को शायद ज्यादा धूप निकली है, सारी मेल्ट हो चुकी है। पर इस गाँव में तो कोई है ही नहीं है भाई, फिर क्या करे? रिजॉर्ट भी बने हुए हैं बट है ही नहीं है कोई। ये टूरिज्म वालों का है ना, ये भी बंद है। पार्किंग अभी बनाई है, ये पहला गांव है जो सारा गांव नीचे शिफ्ट हो चुका है और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। टीआरसी सर्कल पहले। अरे हिचकी क्यों आई आ रही है मेरे को, बार बार हिचकी आई आ रही है। एनजे की, अरे फिर से हिचकी आई आ रही है। एनजे आज की हमारी जगह है, यहाँ पे रहना है। सारे नीचे, अरे फिर से हिचकी आ रही है। पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। एंड पर भगवान भोलेनाथ जी के कपाट अभी भी खुले हुए हैं। बस यहाँ पे एक ही फैमिली रह रही है, वो जो काम कर रहे हैं ना, या बिहारी अपने बिहारी भाई हैं या यूपी वाले भाई हैं। अरे फिर से इसकी आई आ रही है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड दिख रहा है ताजा ताजा स्नोफॉल हुआ है, सबसे ज्यादा स्नोफॉल तो वो सामने हो रहा। अरे फिर से इसकी आ रही है यार, वो सामने हो रखा है सबसे ज्यादा स्नोफॉल। दिख रहा है ना पूरा का पूरा व्हाइट हो रखा है। वहां से हम कल निकलेंगे क्योंकि अभी हमें कुकिंग करनी है। यहाँ पे कोई भी ढाबा नहीं है, खुद ही कुकिंग करनी है और लकड़ी भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने पहले पहले भाई। अरे यार कितनी हिचकी आ रही है। अभी ये नल दिख रहा है ना, ये भी शायद कल स्नोफॉल हुआ तो ये भी सुबह जम चुका होगा। पूरा का पूरा पानी अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड ऐसे लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, बट अरे फिर से हिचकी आई आ रही है यार। बाद में बनाता हूँ, जब हिचकी चली आएगी। भोले बाबा जी के कपाट, अरे हिचकी नहीं बंद हो रही यार। भोले बाबा जी के कपाट भी खुले हुए हैं। जय भोले बाबा जी की, यहो प्रभु। पता चलेगी आसपास हम आ चुके हैं भाई। जाओ शंभुनाथ। अरे यार हिचकी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, मैं क्या करूं। जो गांव वाले लोग हैं ना वो तो जा चुके हैं, बट जो बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं ना वो जाई पे हैं। एंड ये स्नोफॉल हुआ था सुबह? स्नोफॉल हुआ सुबह? लोकल हो आप यहाँ पे? छत्तीसगढ़ से हैं। अरे इतनी ठंड में यही रहोगे 12 महीने? अच्छा अच्छा, मैंने बोला सुबह स्नोफॉल हुआ, बर्फ पड़ा यहाँ पे? नहीं, आज नहीं पड़ा। ये आसपास वाइट हो रखा है ना? हाँ, तो बहुत, एक हफ्ता पहले पड़ा था। अच्छा, एक हफ्ता पहले। हाँ। ओके। ओ हेलो, ओ छोटे भाई, ठंड लग रही है? ठंड नहीं लग रही तेरे को? अच्छा यहाँ पे खाना बन रहा है आपका? हाँ, पानी गर्म करते हैं। अच्छा कपड़े धोने के लिए भी? हाँ, सारे चीजों के लिए पानी गर्म करते हैं। ओके ओके। छत्तीसगढ़ कहाँ से हो? रायगढ़ जिला। ओके एंजॉय करो, ठंडा बहुत ज्यादा है। क्या इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? क्या ये हमारा घर? अच्छा आपका घर है ये? हाँ। सच्ची? झूठ बोल रहा है तुम? ओके छोटू भाई अपने घर लेके आया है। ओ तेरा मुंह तो पूरा लाल हो रखा है भाई। ओ नाक साफ करने वाला है थोड़ा। ए, नाक से थोड़े बुलबुले निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करना। एंड भाई लोग थोड़ी आग सेक नहीं पड़ेगी, पहले बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, है ना? और ये हमारे भैया है शफकत भाई। ओ नमस्ते शफकत भाई जी। यही है मार्केट में यहाँ, बाकी तो सब ये भाई जी यही पे रहेंगे अभी लास्ट तक, जब तक ये है ग्रीफ वाले। अच्छा इनके साथ ही निकल जाओगे आप भी, फिर कोई नहीं रहता यहाँ पे? ओके और छोटू भाई तू भी आग सेक। जीनू ठंड नहीं लग रही तेरे को? लग रही है। फिर कितने दिन रहेगा इधर? नीचे कब जाएगा तू? नीचे कब जाएगा? तो लवांग कब जाएगा? लवांग 5 दिन। अभी हम ना वहां से चलते चलते इधर आए हैं। वो क्यों आए हैं भाई, क्यों आए हैं बता? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अखरोट लेने। इधर देख के बता ना। अखरोट लेने। तो अखरोट कहाँ पे है? इधर मिलेंगे।
इधर मिलेंगे तो कैसे ढूंढने हैं भाई? अखरोट तो ऊपर नहीं है, बट फिर भी ये मेरे को इतनी दूर लेके आया कि अखरोट नीचे मिलेंगे। कोई ढूंढ के ला ना। क्या नाम है तेरा? जीनू अहमद। क्या बोलती मम्मी, क्या बोलती तेरे को? किनू 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 जीनू। दिख रहा है अखरोट ढूंढ रहा है मेरे लिए। अखरोट कब से ढूंढ रहा है भाई, कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे अखरोट। पेड़ अभी खाली हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे अभी स्नोफॉल होगा ना, बिल्कुल ये तो टूट ही जाएंगे आधे से ज्यादा, एंड सारे उन्होंने उतार भी लिए हैं। हम देख रहे हैं कोई बच्चा होगा तो वो लेके चले जाएंगे। कोई भी नहीं है। चल जीनू भाई चलें वापिस। कोई नहीं मिला। तुमने मेरे से झूठ बोला है ना? है ना, झूठ बोला ना मेरे से? सच बोला भाई। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद हमें एक अखरोट मिला है, बट इसमें भी छेद है। तोड़ के दे मेरे को। कैसे तोड़ता है तुम? ये देख मुंह से तोड़ दिया सच में। ओ खराब है यार ये छोटू भाई, खराब है ये। चल चल, टेंट हमने थोड़ा जल्दी पिच कर लिया क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है। और कुछ ऐसा है भाई, क्योंकि आसपास ना जितने भी गेस्ट हाउस है ना, सारे वो निवास बंद हो चुके हैं क्योंकि सारे नीचे जा चुके हैं जी। अपने भाई लोग बचे हुए हैं जितने भी है ना, सारे बंद हो चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे लगा लिया अपना टेंट। थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होने वाली है रात को, मे भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो या ठंड हो, बट कोई नहीं, हमारे पास रजाई है यार। कल से मैंने रजाई ली, आपको पता ही होगा भाई, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है। जितना एक्सेप्ट भी नहीं किया उससे ज्यादा ठंड हो रही है। और आज बनने वाले हैं आलू। आलू तो यहाँ पे नहीं है, आलू गाजर मशरूम मटर। पर जब हम छील रहे हैं ना ये मटर भाई, हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं। देखिए ना थोड़े थोड़े रेड हो रहे हैं, नाखून देखो भाई पूरे रेड हो रखे। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही पहले बोलूं या पहले सांस ले लूं भाई। इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी है, हाथ बिल्कुल जम चुके हैं क्योंकि मैंने अभी आलू धोए हैं इससे। और अच्छी बात ये हो चुकी है हमारे लिए कि यहाँ पे दुकान भी है, क्योंकि सुबह हमने हल्दी मांग के लाई थी और अभी भी हल्दी हमारे पास है ही नहीं है। हल्दी चाहिए भाई, तेल चाहिए, और सुबह नॉन वेज वाले अंडे भी चाहिए। अभी हमने टाइम पास करने के लिए मूंगफली भी ले लिया है और गच्चक भी ले लिया काफी ज्यादा। ठीक है भाई, हल्दी कहाँ पे है? हल्दी इस दुकान पे मैं खोल रहा हूँ। ओके ओके, दुकान वाले नहीं है ना यहाँ पर? कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से, 60 किलोमीटर पीछे है रायगढ़ है ना। देखो मेरे को पता है, उससे पीछे है। दूध है, दूध वाले पैक अमूल वाले हैं छोटे छोटे? नहीं, फिर हम चाय कैसे पियेंगे? अब रखा नहीं है भैया। आप चाय कहाँ से पीते हो? लाल चाय पीते हैं यार। वो फिर बढ़िया है, फिर हमें वही पीनी पड़ेगी भाई। हाथ ठंडे हो रखे हैं। ठीक है भैया, बाकी सामान लेके आओ, इकट्ठे पैसे देते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। भाई बड़ी जल्दी खाना बन चुका है और व्यूज का पता नहीं, बट मेरी किस्मत ना भगवान ने स्पेशल ही है। पहले अपने पास अर्शदीप भाई था, क्या मजेदार खाना बनाता था। अभी जे वाले बब्बू भाई हैं, माँ कसम क्या खाना बनाया यार। दिख रहा है ना, दिखने में इतना लग्जरी लग रहा है। एंड भाई ने बोला था पूरे 15 मिनट के बाद इसे थोड़ा सा कड़छी के साथ हिला देना। एंड अभी हमें डालना है इसमें पानी। एंड कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना, मन कर रहा है ना खाने का यार। काश आप भी हमारे साथ घूम रहे होते, मजा आ जाता। ठीक है, इसमें डालना है पौना गिलास पानी। भाई ने बोला पूरा पौना गिलास डालना है। एंड जी हो गया पौना गिलास पानी। अभी इसमें थोड़ी बहुत तरी भी बन चुकी है सच्ची यार। अभी दिख रहा है ना, पहले चलो धुआं निकल रहा था, एंड क्या लुक है भाई साहब। और चावल भी हमने थोड़े बढ़िया वाले चावल बनाए हैं। ठीक है, अभी बन के मिलता हूँ कि खाना कैसा बना है। और अपने पास जल्दी है बोन फायर, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है भाई, सुबह पता चलेगा अपना टेंट, क्योंकि टेंट हमने लगाया बाहर। एंड सच में वॉन फायर जितनी भी लकड़ियां मैं लेके आया था सारी जला दी, क्योंकि भाई जी चले गए थे भाई दूसरे भाई जी के पास रोटी लेने के लिए, अब भी जाके आए हैं। एंड अपना खाना भी बन के रेडी हो चुका है। अरे मैंने लाइट ऑन करी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। एंड जे रहा कुछ ऐसा है भाई। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, खाना खा लेते हैं नहीं तो ठंडा हो जाएगा। एंड डेफिनेटली स्नो मैं सुबह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगा। ओ भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर जावर। मेरा हाथ कांप रहा है यार, गुड नाइट, टेक केयर जावर। आज तो कुछ भी नहीं है, कल हम बिल्कुल स्नो में जाने वाले हैं इससे आगे।